जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं पार्ट टू, ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हाइट एंड डिस्टेंस है इसका जो ये पार्ट है, पार्ट सेकेंड, इसमें पूरी तरीके से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ए टू जेड, जीरो से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। बस ये है कि आपको शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखना है, समझना है और अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है। ठीक है, बस इतना काम यदि कर लिया तो ये वाला टॉपिक इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत सिंपल लगेगा, हर एक क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए। यहां पर ऊंचाई एवं दूरी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, तो यहां पर क्या निकालना है, कैसे करना है, ये कल हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया था। और हाँ, इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए आपको टेबल जो त्रिकोणमिति वाली सारणी होती है उसको याद रखना बहुत जरूरी है। जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। यहां पर सबसे पहला वाला प्रश्न क्या लिखा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें इसको एक बार। ठीक है, पढ़ें, आप खुद पढ़ें, उसके बाद फिर मैं यहां पे पढ़ के समझा रहा हूं। चलिए तो अब यहां पर देखें, इस प्रश्न में यहां पे लिखा है कि 10 मीटर लंबा खंबा भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, तो 10 मीटर लंबा खंबा है जो भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर यह भूमि है, ये वाली, तो इसके ऊपर इस तरीके से ये खड़ा है ऊर्ध्वाधर। अब ये क्या है, ए बी एक खंभा है। ठीक, क्या है, खंभा है। अब यहां पे आगे देखें तो उसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित, मतलब यहां से इधर की साइड कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा। तो हम यहां पे, हमें पता नहीं है कि कितनी दूरी पर स्थित होगा वो पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, यहां पर मान लेंगे कोई सा भी पॉइंट यहां पर ले लो। तो ये वाला पॉइंट है, सपोज हमने ले लिया कि इस पॉइंट पर जो कि सी पॉइंट है, यहां पर और इसका जो ऊर्ध्वाधर उन्नयन कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि एक खंभा है, उसके आधार से x मीटर की दूरी पर एक पॉइंट C है जहां पर इस खंभे का शिखर का उन्नयन कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये माने, तो अब हमें निकालना क्या है, यहां पर निकालना है कितनी दूरी पर। तो यहां पर एक्स मीटर की दूरी पर यह एक्स आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, इसको ज्ञात करना है, राइट। अब इसके बाद देखें क्या है, यहां पर दिया हुआ क्या है, 10 मीटर लंबा खंबा है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, h बराबर यहां पे 10 मीटर है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखें तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक फंडा है कि यहां पर ये जो त्रिभुज है, कैसा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें ये वाले जो लंब है और ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। ये भुजाएं हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्या है, लंब है, और यहां पे ये क्या है, आधार है, और इधर ये कर्ण है। तो अब ये बताओ, जो भुजाएं आपको दी है, एक दी भी रहेगी एक निकालना रहेगी। ठीक है, तो उन दोनों को लेकर ही हल करना है। कैसे, तो यहां पर दिया कौन सा है, लंब दिया हुआ है, तो लंब यहां पे लिखें लंब। फिर क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो यहां बटे में क्या लिखें, आधार। अब यहां पर यह बताएं कि ये जो फॉर्मूला है लंब बटा आधार, ये किसका है। ठीक है, तो यहां पे आपने पढ़ा था शुरुआत में, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये वाला, तो यहां पर लंब बटे आधार, तो लंब बटे में आधार, ये लाल वाला किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है टेन थीटा का। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे टेन थीटा का फॉर्मूला है, तो इसके आगे यहां पर लिख लें टेन थीटा, लिख लें इतना। अब यहां पर फिर देखें तो यहां पर लंब कितना है, तो लंब यहां पर है 10, तो यहां पे 10 लिखें। आधार कितना है, x निकालना है, तो x यहां पे रख ले। और tan थीटा कितना है, थीटा कितना यहां पे है, तो यहां पे जो दिया हुआ कोण है वो कितना है, 30 डिग्री का है। कितना है, 30 डिग्री यहां पे, ये तो यहां पे tan 30 डिग्री। ठीक है, ये यहां पर हमने रख लिया। अब वैसे यहां पे tan 30 है ना, ये 30 को यहीं पर रख लेना है शुरुआत में, ताकि यहां पर ये एक स्टेप हमें, हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहां पर न लिख कर यहां पर थीटा की जगह यहां पर लिख लेते हैं कितना, 30 डिग्री। ठीक, ये है। अब यहां पे क्या है, दूसरे वाले में सीधे मान रख लेंगे इसका, tan 30 की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। ठीक है, ये होगा। अब यहां पर इतना आपको क्लियर हुआ है, तो यहां और आगे बढ़ना है इसमें, तो सिंपल है, इसका इसमें करो। ठीक है, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो, तो यहां पर इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 10√3 आएगा।
इधर क्या आएगा x आएगा, बराबर में क्या रहेगा x से। तो ये वाले x को हम यहां पर न लिख कर हम कहां पे लिख देंगे, आगे लिख देंगे, ठीक है। ये तो दोनों बराबर में, इस तरीके से यहां पे ये x मीटर आया, ठीक है। मतलब आपका जो आंसर है वो क्या आया कि एक बिंदु C है, ये इस खंभे के आधार से कितना मीटर की दूरी पर है, 10 अंडर रूट 3 मीटर की दूरी पर है, और इस दूरी पर, इतनी दूरी पर जो इसका जो खंभा है इसके शिखर का जो कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, वो कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। क्लियर रहता, चलिए। तो ये वाला प्रश्न यहाँ पे क्लियर हुआ है, तो फिर हम बढ़े आगे, लेकिन उससे पहले इसको लिख ले ध्यान से, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है इसको समझ ले ध्यान से, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न मैंने कल करवाए थे, तो ध्यान से इसको पढ़ें, उसके बाद खुद अपनी कॉपी में डायग्राम बनाएं, और उसके बाद में इसमें ये देखें कि इसमें टेन काम करेगा या फिर साइन काम करेगा या फिर कोस काम करेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति कौन सा अनुपात काम करेगा, ठीक, ये आपको सबसे पहले पहचानना है। तो वीडियो को रोक लें, उसके बाद हल करें, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है। और हाँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें, यदि आपने कर लिया है वीडियो को रोक कर, तो फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर यह दिया हुआ है कि 8√3 मीटर ऊंचे खंबे के शिखर से, अब एक खंबा है यहाँ पर, ठीक है, एक खंबा है यहाँ पर, ये खंबा बना दिया हमने, ठीक, इस तरीके से। अब ये जो खंबा है इतना लंबा, ये खंबे का जो टोटल ऊंचाई है कितनी है, 8√3, तो यहाँ पे इसकी हाइट है 8√3 इतना मीटर है, ठीक है, ये ए बी खंबा है, ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद फिर आगे क्या बोला है, 8√3 मीटर ऊंचे खंबे के शिखर से एक तार को बांधकर, कहाँ से, इसके शिखर से, इसके शिखर से यहां से एक तार को बांध कर, तार का दूसरा सिरा जमीन में गाड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहां से एक तार को बांधा, इसका ये खंबा है, इस खंबे के शिखर पे यहां पे एक तार को बांध दिया है, यहां पे बांधने के बाद में इस तार का दूसरा वाला सिरे को हमने यहां पे जमीन में गाड़ दिया है, ठीक है, यहां पे जमीन में गाड़ दिया है, ठीक। फिर यहां पर आगे क्या बोला है, जमीन में गाड़ दिया गया है, तार का दूसरा सिरा जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा हो तो तार की लंबाई ज्ञात करें। अब ये जो सिरा है ये जमीन से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, राइट, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इस तार की लंबाई यानी यहां तक की लंबाई ये वाली, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये लंबाई आपको पता नहीं है, और जो ज्ञात करना है उसको लिख लेना है कि ये हम मान लेते हैं कितना एक्स मीटर है, कितना है एक्स मीटर, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं मीटर ये, ठीक। अब ये कहानी कैसी है, कई बार आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा एक पोल गड़ा होता है लाइट का, ठीक है। अब उसमें उसको बैलेंस करने के लिए हवा से इधर उधर ना जाए ना गिरे, इसके लिए वहां से एक तार ऊपर बांधते हैं एक जमीन में गाड़ते हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो तार जमीन में गड़ा है, ये तार जमीन के साथ में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का। अब ये जो तार है, अब इस तार की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है, इतना क्लियर हुआ, ठीक। चलिए तो जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो जरूर देख सकते हैं, खंभों में इस तरीके के तार दिखाई देंगे, ठीक। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखें, प्रश्न को पढ़ा हमने, यहाँ पर खंभा बना लिया, यहाँ से इस तार को भी बांध दिया, सिरे शिखर से कहाँ पे जमीन तक बांध दिया, ठीक है, इस तार को। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर साइन का इस्तेमाल करें, कोस का करें, या फिर टेन का करें, किसका करें, दिया क्या है आपको, ये देखें सबसे पहले। तो दिया आपको यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लंब दिया हुआ है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे लंब दिया हुआ है कितना, 8√3, तो यहाँ पे लंब आपको दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, फिर आपको निकालना है कर्ण, तो कर्ण का इस्तेमाल करेंगे, अब आधार की तो कोई जरूरत है नहीं हमें, और इस्तेमाल करना भी नहीं, तो इस तरीके से कर्ण निकालना है, तो कर्ण का इस्तेमाल करें, तो ये लंब है, बटे में लिखे कर्ण को, यहाँ पे कर्ण है। अब आप ही यहाँ पर बताएं कि त्रिकोणमिति हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट की है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी ने आपने नहीं देखी तो एक बार उसको जाके जरूर देख लेना है, पार्ट 3-4, वहाँ पे 5 पार्ट टोटल है बने हुए, तो देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है, तो ये है साइन थीटा का, किसका है, साइन थीटा का, इतना पता है। अब इतना यहाँ पर पता है तो फिर क्या करें, यहाँ पर साइन थीटा कितना है ये बोलो, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री है। लंब कितना है, 8√3 है, तो 8√3 है। बटे में कर्ण कितना है, तो कर्ण हमें निकालना है x है,
ठीक इस तरीके से। अब साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान सारणी में से आपको लिखना है क्या, अंडर रूट 3 बटे में कितना 2, अंडर रूट 3 बटे में 2 ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे रूट 3 बाय 2 और यहाँ पे एट अंडर रूट 3 बाय एक्स ठीक, इतना यहाँ पे काम किया। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 को काट देना है ठीक। अब यहाँ पे ऊपर 1 है तो x का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा, और 2 का 8 में करेंगे तो 16 आएगा। इस तरीके से 16 मीटर कीजिए आपके टोटल ये तार हैं, उसकी लंबाई कितनी है, तो इस तार की लंबाई ये 16 मीटर है, 16 मीटर ठीक है, ये आया। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप बड़े बड़े सवालों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सिस्टमेटिक समझना है और क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या क्या इस्तेमाल करना है और क्या इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपको ध्यान में होना बहुत जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें ठीक है। अब लिख लें इसको एक बार, फिर आगे बढ़े। चले दोस्तों, तो अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है और थोड़ा सा आपको लेवल थोड़ा इसका हाई मिलेगा ठीक है। पहले वाले प्रश्न सरल थे, सिंपल थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल क्वेश्चन है ठीक है, एक ही क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन है ठीक। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़ लें ध्यान से एक बार। इसमें बोला है कि एक नदी पर बना एक पुल 100 मीटर ऊंचा है। तो एक नदी है ये वाली, क्या है, नदी है ये वाली, ये यहाँ तक इतनी छोड़ी है। अब इसके ऊपर एक पुल बना है, ये 100 मीटर ऊंचा है, इसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर ऊंची ये वाली ठीक है, ये पुल हुआ। फिर आगे क्या बोला है कि नदी के जल सतह पर स्थित, अब यहाँ पे क्या है, पूरा नदी का जल सतह है ये वाला है ना, तो नदी के जल सतह पर स्थित 2 बिंदुओं से एक ही सीध में ठीक है, दोनों बिंदु किधर है, एक ही सीध में है, पुल के एक ही साइड में है ठीक है, एक ही सीध में। तो 2 बिंदुओं से पुल के उच्चतम बिंदु से, अब पुल का उच्चतम बिंदु सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, ये वाला बिंदु है ठीक है, यहां से, यहां से क्या है, यहां पे अवनमन कोण क्रमशः, अब यहां पे पुल का सबसे हाईएस्ट बिंदु ये है, यहां पर कोई मजदूर यहां पे ऊपर बैठा हुआ है ठीक है, कोई कारीगर ऊपर बैठा है यहां पे काम करने गया है। अब यहां से वो देखेगा कहां पे, नीचे की साइड, यहां पर देखेगा नीचे ठीक है। तो यहां से जब यहां पे देखेगा तो 2 कोण बनेंगे, अवनमन कोण। सबसे पहले उसने इस बिंदु पर देखा तो यहां पर इसका जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। यहां पे दिया हुआ है उच्चतम बिंदु से अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है ठीक है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये एक बिंदु है, एक ये बिंदु है, इन दोनों के बीच की यहां की जो दूरी है ये वाली, ये आपको ज्ञात करना है ठीक है। तो पहला कोण कौन सा है, 30 डिग्री का, यहां से देखेगा तो 30 डिग्री का कोण इसका यहां पे बनेगा ठीक है, 30 डिग्री हुआ इतना। अब इसके बाद फिर कितना, तो फिर यहां पे उसने थोड़ा सा पास में देखने की कोशिश की तो बिंदु डी को देखा उसने यहां से ऊपर से। तो अब इसका जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, तो ये क्या है, दृष्टि रेखा, ये कौन सा है, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, यहां से इस दृष्टि रेखा से इस जो ये वाला लाइन है, ये दृष्टि रेखा ये वाली होती, ये वाली होती है दृष्टि रेखा ठीक है, दृष्टि रेखा ये वाली है, और ये क्या कौन सी, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। तो यहाँ पे इन दोनों लाइनों के बीच का जो कोण बना, ये कितना बना है, 45 डिग्री ठीक। तो ये आपको दिया हुआ है प्रश्न में, जब यहाँ पे ये लाइन आ रही ये वाली इस तरीके से, तो इस लाइन के द्वारा बनाया कोण यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, फिर अगली वाली जो 45 डिग्री का कोण कौन बना रही, ये लाइन बना रही है ठीक है। अब इसने 45 डिग्री का कोण बनाया तो ये इधर की साइड आएगी और यहाँ पे आएगी, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, ये भी होगा 45 डिग्री ठीक है, 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लिख लिया। अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये कल वाली क्लास में पूरा डिटेल में मैंने बताया है, यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे कैसे होगा क्यों होगा ठीक है। जब भी 2 समांतर रेखाएं होती है उसको एक लाइन जब काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं और विपरीत कोण भी क्या होंगे, बराबर। मतलब ये है कि ये कोण जितना होगा वही कोण इतना होगा ठीक है, और ये सामने वाला कोण जितना होगा उतना ही कोण दूसरा वाला सामने वाला होगा राइट। तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही, ऊपर वाला एक्स है तो ये वाला भी कितना एक्स, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30, यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे कितना 45, इतना क्लियर है। अब देखें यहां पे, अब यहां पे सी और डी के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो मान लेते हैं कि इनके बीच की ये दूरी है, ये एक्स मीटर है ठीक है। अब ये एक्स है तो फिर यहां पे कितनी होगी, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर इसको हम वाई, ये मान लेते हैं वाई ठीक है, यहां से यहां तक की, इतना क्लियर है। अब देखें तो अब यहां पर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी ये निकालना है, तो हल करें
सबसे पहले क्या करें, यहां पे दो त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो ये त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको लंब दिया हुआ है, लंबाई दी है, लंब कितना है, तो लंब यहां पर दिया हुआ है लंब, और फिर क्या दिया हुआ है, आधार। अब आधार में आप क्या लेंगे, आधार में x प्लस वाई, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की पूरी आधार आएगी, आधार की लंबाई, ठीक है, अब x प्लस वाई आएगी, तो यहां पे x प्लस वाई, मतलब यहां पे सबसे पहले आधार लिख लें, आधार फिर बाद में मान रखेंगे, ठीक है, ये किसका लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला है, तो ये टेन थीटा का है, टेन थीटा का है। अब टेन थीटा है तो थीटा ए बी सी के लिए थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो यहां पे रख ले सीधे हम कितना, 30 डिग्री। इतना क्लियर हुआ, अभी तक जो करते आए बस वही करा है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। अब लंब कितना है, 100 मीटर है, यहां पे रखें 100। आधार कितना है, तो आधार यहां से यहां तक की लंबाई कितनी, ये x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर टेन 30 का मान 1/√3, ठीक है, इस तरीके से यहां पे इसको लिख लिया। अब इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, ठीक है, तो बनेगा x प्लस वाई बराबर 100√3 आएगा, ठीक है, मैंने लिख दिया है इधर की साइड, x इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहां पे मैंने लिखा है, इसका इसमें गुणा करके इधर की साइड लिख दिया, ठीक है, वैसे इसका इसमें पहले गुणा करते तो ये इधर आता, ये वाला इधर आता, ये उधर आता, लेकिन सही तरीके से जमाने के लिए इसको ऐसे ऐसे लिखा है, ठीक। अब यहां पर ये बनी समीकरण एक, कौन सी समीकरण एक आ गई, ठीक। अब फिर यहां पर देखें, अब छोटा वाला त्रिभुज लें ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी लें, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको त्रिभुज ए बी और डी, यहां पे क्या है, यहां पे वही लंब बटा आधार रहेगा, तो लंब कितना है, 100 मीटर है, आधार कितना है, वाई है, तो यहां पे टेन का फॉर्मूला है, यहां तो टेन कितना डिग्री है, टेन 45 डिग्री छोटा वाला, तो यहां पे 45 डिग्री, और लंब कितना है, तो लंब है कितना, 100, ठीक है, डायरेक्ट रखेंगे, सूत्र नहीं लिखेंगे बार बार, यहां पर 100, और आधार कितना है, तो आधार यहां पर बी डी कितना है, वाई है, तो यहां पर रखेंगे वाई, ठीक है। अब 45, टेन 45 का मान कितना होता है, तो टेन 45 का मान एक होता है, कोट 45 का मान भी एक होता है, ठीक है, तो यहां पे इसकी जगह रखेंगे एक बराबर 100 बटे में y, तो y इधर आएगा, तो y बराबर कितना आया, 100 आया, ठीक, कितना आया, 100 आया। अब यहां पर y बराबर 100 आया है, तो यहां पे y का मान रख देंगे, x का मान यहां से निकल जाएगा, ठीक है, तो यहां से इसका मान इसमें रखें, किसमें, वाई में, तो यहां पर एक्स प्लस कितना आएगा, y की जगह y को हटा के कितना रखें, 100 बराबर कितना आएगा, 100√3 आएगा, ठीक, ये आ गया। अब यहां पे फिर इधर की साइड बढ़े, तो इसको उधर ले जाके घटा देना है, ठीक है, तो x बराबर 100√3 माइनस 100 आ जाएगा, तो अब x बराबर, इस 100 को कॉमन लो, बाहर निकालो ये, और अंदर रहेगा √3 माइनस 1, ठीक, ये रहेगा। लेकिन अब यहां पे क्या है, प्रश्न में आपको दिया हुआ रहेगा कि √3 का मान निकाले, या तो आपका आंसर यही, ठीक है, या तो आपका आंसर ये है, एक्स का मान ये वाला है, क्योंकि यही निकालने के लिए बोला है, तो आपका आंसर ये मिल गया आपको। लेकिन यहां पे यदि आपको ये बोले कि √3 का मान दिया हुआ है प्रश्न में, इसका इस्तेमाल करें, ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, 100 लिखना है, और √3 का मान आपको दिया हुआ रहेगा 1.732-1, ठीक है, ये किसका, √3 का मान है। अब यहां पे x बराबर, इस एक में से एक घट जाएगा, कितना आएगा, तो 0.732 यही बचेगा, तो यहां पे 100 है गुणित 0.732, ये है यहां पर, ठीक है, तो इसका 100 का इसमें गुणा करेंगे, तो 3 के पहले पॉइंट है, तो 2 के पहले पॉइंट आ जाएगा, मतलब x बराबर यहां पे कितना आएगा, तो यहां पे 73200 ये रहेगा, ठीक। तो अब यहां पे इधर, यहां पे एक और दो, तीन, तीन के पहले पॉइंट है, तो यहां पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, कहां पे, यहां पे, बस ये आपका आंसर आ गया 73.2, इतना यहां पे मीटर है, इतनी दूरी है, ठीक है, 73.2 मीटर की दूरी है दो बिंदुओं के बीच की, सी और डी के मध्य की। इतना क्लियर हुआ, प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन इसको सिस्टमेटिक करें, सिस्टमेटिक जिसे मैंने समझाया है इस तरीके से समझ लें, और उसके बाद फिर एक दो बार और कर लें इसको, तो ये यहाँ पर केवल इतनी सी जगह में हो जाएगा, मतलब तीन लाइन में, तीन से चार लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे समझाने के लिए पूरा इतना सारा सब कुछ करना पड़ा है, ठीक है, बाकी इतना बड़ा है ही नहीं, क्लियर है। चलिए तो इसको हटाएं
अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न ठीक इसके ये साले दूसरा और उसको आपको खुद को करना है, करके देखना है और फिर जो भी आंसर है उसको कमेंट करना है। चलिए दोस्तों अब यहां पर अगला वाला प्रश्न है और ये वाला प्रश्न ठीक उसके जैसा है, ठीक है, जो अभी हमने किया है। तो यहां पर इसको बस प्रश्न को ध्यान से समझना है और समझने के बाद में आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। मैंने पहले से बना दिया ताकि यहां पर टाइम हमारा वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए तो देखें इसको, पढ़े ध्यान से। यहां पे बोला है कि एक भवन पर एक झंडा लगा है, तो ये वाली भवन है, ये वाली, ठीक है, ये क्या है, भवन है, और इस भवन के ऊपर ये वाला झंडा लगा हुआ है, ठीक, इस तरीके से यहां पे ये झंडा लगा हुआ है। तो फिर यहां पे आगे क्या बोला है, भवन के आधार, भवन के आधार मतलब यहां पे, यहां से भवन के आधार से जाने वाले समतल पर स्थित किसी बिंदु से, यहां से जाने वाला ये समतल है, यहां पर स्थित कोई बिंदु है ये वाला, इस बिंदु से झंडे के शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पे इस झंडे से यहां से यदि देखें तो यहां पे इसके अवनमन कोण कितना है, एक तो 45 डिग्री है पहला, तो यहां पे शिखर का कितना है, शिखर पहले दिया हुआ है तो पहला कितना है 45 है, शिखर का 45 है, मतलब यहां का जो अवनमन कोण है ये 45 है, ठीक है, ये 45 है। अब इसके बाद में फिर यहां पे आगे क्या बोला है, आधार का कितना है, तो आधार का 30 डिग्री है, तो आधार कौन सा है, झंडे का, झंडे का आधार ये है, तो यहां पे ये वाला जो कोण है कितना है, 30 डिग्री है, इतना क्लियर है। अब यहां पे यदि इस लाइन के द्वारा बनाया गया ये कोण 45 है, तो यहां पे आएंगे तो यहां से ये वाला जो कोण रहेगा ये कितना रहेगा, ये भी कितना रहेगा, 45 रहेगा, कितना रहेगा, 45। अब ये वाली लाइन के द्वारा बनाया गया कोण यहां पे कितना है, 30 डिग्री है, तो ये लाइन नीचे आके यहां पे इधर की साइड कितना बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ें। अब यदि भवन 40 मीटर ऊंचा है, ये भवन की ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर है, ये आपको दिया हुआ है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो झंडे की ये वाली जो ऊंचाई है ये कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि यहां पे इसकी ऊंचाई कितनी है, एच है, ठीक है, कितना है, एच मीटर, ठीक, इतना मीटर है ये, राइट। अब यहां पे इसको हल करें, अब हल करना बड़ा आसान है इसको, ठीक है, यहां पे यहां से यहां तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले यहां पे दे लो, यहां पे ये ए है, ये बी है और ये सी है और इधर ऊपर है डी, ले लो, ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको मान लो एक्स मीटर, ठीक है, एक्स मीटर, राइट। अब यहां पर झंडे की ऊंचाई आपको निकालना है, इतनी मतलब ये एच निकालना है, ठीक है, तो चलिए निकालें, यहां पर ये क्या है, लंब और इधर क्या है, आधार है, ठीक है, इनका है इस्तेमाल करना है, तो टेन थीटा लगाना है। सबसे पहले हम अंदर वाले जो त्रिभुज है छोटा वाला इसमें ले लें या फिर बड़ा वाला ले, बड़ा वाला ले लो, ठीक है, त्रिभुज डी बी सी में, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज डी बी सी में, तो ये डी बी सी बड़ा वाला त्रिभुज है, कोण कितना है, 45 डिग्री। तो अब ये बताओ यहां पर टेन आएगा क्योंकि लंब दिया हुआ है और आधार है अपने पास, ठीक है, तो यहां पर टेन, टेन कितना, 45 डिग्री, अब 45 डिग्री है, तो अब यहां पे टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है, तो 40 तो यहां तक और एच यहां तक पूरा लेंगे, कितना, 40 प्लस एच, ठीक है, तो 40 प्लस एच यहां पे ले लेंगे और आधार कितना है, x से, तो x यहां पे लिख लिया, राइट, इस तरीके से। अब टेन 45 का मान कितना होगा, एक होगा, मतलब इस पूरे की जगह कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है, अब एक आया तो इस यहां पर एक बराबर 40 प्लस एच है, तो यहां पर एक्स है, राइट, अब ये x यहां पे आएगा तो x बराबर आपको मिलेगा 40 प्लस एच, ठीक है, ये यहां पर मिला, समीकरण एक दे लो इसको। अब इस टाइप से यहां पे इसको दो, अगला वाला त्रिभुज दो छोटा वाला, ठीक है, तो यहां पे त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में, यहां पे क्या है, यहां पे टेन कितना होगा, 30 होगा, टेन 30 डिग्री होगा और लंब कितना दिया हुआ है, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी, 40 है, तो 40 लिख लो यहां पे, और यहां से यहां तक की आधार कितना है, लंब बटा आधार होगा इसका, ठीक है, लंब बटे में आधार, ये टेन का सूत्र होता है, तो लंब है 40 और आधार कितना है, x से, ठीक। अब यहां पे टेन 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होगा और बराबर में 40 और यहां पे x, ठीक। अब x आपके पास यहां पर है, x आपके पास यहां पर भी, तो x को इधर लाओ, x बराबर 40 √ कितना आएगा, 3, ठीक, ये है। अब इसको रूट को भी थोड़ा सा हल कर ले, यहां पे क्या x बराबर 40 इंटू इसका जो रूट 3 का मान होता है 1.732 ये होता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें ऐसी कंडीशन में लास्ट का जो डिजिट है इसको हटा देना है, ठीक है,
लास्ट का डिजिट हटा देना है और फिर आंसर निकालना, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 17 का 4 में गुणा करो कितना होगा, तो 68 होगा। ठीक है, 68 होगा, है ना, 68 होगा यहाँ पे ये, और एक जीरो यहाँ पे लगा दिया, एक के पहले पॉइंट, एक के पहले पॉइंट, मतलब आपका जो x का मान है वो कितना है, 68 है केवल। राइट, अब इस x का मान को आपको कहाँ पे रखना, इस समीकरण में रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे, इसको इधर ले आएंगे, घटा देंगे तो h का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान कितना है, 68 है, तो यहाँ पे 68, इसको 40 को इधर लाओ तो कितना होगा, 40, और बराबर में क्या रहेगा, h, 68 में 40 को घटाओ कितना आएगा, 28, तो h बराबर कितना आया, h बराबर आपको मिला 28 मीटर। ठीक है, h बराबर कितना है, 28 मीटर। क्लियर हुआ इतना, तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्न जब भी आए, प्रश्न थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से ये बहुत सिंपल बन जाएगा और बड़ी आसानी से आप आधे मिनट से कम टाइम में आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, और बाकी ये जो क्लास है, इस क्लास को यहाँ तक ही एंड करेंगे, और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आपके पास है उसको आपको उस प्रश्न को उठाना है, उसको हल करना है। ठीक है, बुक में बहुत सारे प्रश्न इस टाइप के मिलेंगे। ठीक, यहाँ तक मान लो कि आपकी जो भी बुक आपके पास है उसमें यदि कम क्वेश्चन है तो 10वीं की बुक उठा लो, 8वां प्रश्न वाली मिल जाएगी, 8वीं एक्सरसाइज 8। ठीक है, पूरा यही भरा पड़ा है। राइट, चलिए, तो लास्ट में यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है, और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।